हमास और इसराइल के दरमियान चार रोजा आर्जी जंग बंदी का आगाज। पहले मरहले में 13 इसराइली और 39 फलस्तीनियों को शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा। मुहिदे के तहत इसराइली तैयारों के गजा की हदूद में दाखिले पर पाबंदी होगी। गजा में योमिया 1,30,000 लीटर डीजल, इमदादी सामान के 200 और गैस के 4 ट्रक भेजे जाएंगे। सीज फायर में कतर, मिस्र और अमरीका का किरदार। एक तरफ जंग बंदी मौदा, दूसरी तरफ बमों की बारिश। 24 घंटों में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों के इंटरनेशनल अस्पताल पर हमले। सिहुनी फौज ने तिबी अमले को हिरासत में ले लिया। नसीरा कैंप और उनरवा के स्कूलों पर भी बमबारी। अक्वामे मुतहदा के मुताबिक अद्वान अस्पताल पर भी बम बरसाए गए। शहदा की मजमूई तादाद 14,854 हो गई। गाजा में सूरत हाल इंतहाई अबतर। एक खातून की दुहाइयों ने कलेजा चीर कर रख दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर, 59,000 की नफसियाती हद उबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 322 पॉइंट्स का इजाफा, 59,222 के रिकॉर्ड साथ बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। आशा ने एक बार रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। लगाए गए इल्जाम इंतहाई मशकूक करार। कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुँचा। गवाह आरिफ मजीद के मुताबिक साबिक डीजी नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान देने का कहा। इस रेफरेंस में अदालत प्रोसिक्यूशन का डेंट नजरअंदाज नहीं कर सकती। 59 सफात पर मबनी फैसला एहतसाब अदालत के जज मलिक ज़ुल्करनैन ने जारी किया। पंजाब में स्मोक से खतरा बढ़ गया। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा और साहिवाल डिवीजन में 2 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। आज और कल तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स दोपहर 3 बजे खोलने की इजाजत होगी। इतवार को तमाम बाजार बंद रहेंगे। मोहसिन नकवी की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। 10,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी पर देने का ऐलान। 29 नवंबर को मस्तूई बारिश बरसाने का प्लान। और 35 पाकिस्तानी शहरियों की चीन से हांगकांग स्मगलिंग। तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। FIA के इस्लामाबाद में छापे। ग्रोह के मजीद 2 कारिंदे फवाद आलम खान और मोहम्मद अबू बकर गिरफ्तार। नेटवर्क के दीगर अराकीन की भी शनाख्त कर ली गई। फवाद आलम जाली दस्तावेजात बनाने का माहिर। मुलजिम अबू बकर शहरियों को चीन से हांगकांग बॉर्डर पार कराने में मुलव्वस था।